संस्कृति के प्रति हमें इतना अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए कि इनसे ही देखिए कि हम कितने अपनी खुशियों को जाहिर करने का कितना सरल और अच्छा माध्यम है हमारी संस्कृति में। हम बोलकर किसी को अपनी खुशियाँ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इन रंग बिरंगे बंधन वार से ज़रूर अपनी खुशियाँ दिखा सकते हैं। हम ईश्वर को अपने घर में का आह्वान कर रहे हैं तो हम कितने प्रसन्न हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ, नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे। देखिए ये भाई, हमें तो इनको सैल्यूट, हमें इनका सैल्यूट करना चाहिए। इन्होंने 2 साल कह लीजिए कि जैसे सेना अपने लाइफ दे देते हैं, वो इन्होंने अपनी लाइफ दी होगी। भारतीय सामान्य सारा, हाँ तो पहले तो चाइनीज़ माल काफ़ी हुआ करते थे ना, चाइनीज़ माल आते थे, लेकिन अब जो है चाइनीज़ बंद हो गए हैं ना, करीब करीब थोड़े बहुत अभी आते हैं। बिना चाइनीज़ का कैंडल चल नहीं सकता है। चाइनीज़ आइटम जैसे हो गया आपका ये दिया हो गया और जल दिया हो गया, ये सब चीज़ें चाइनीज़ ही से आते हैं, अभी भी आते हैं। इंडियन बना नहीं सकती है, नहीं बना नहीं सकती है, ये नहीं है जी। इसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाती है। नमस्कार मित्रों, आज धनतेरस है और कल दिवाली है, और मैं एडवांस में ही आपको सबों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं, और आपका जीवन ऐसे ही दीपों के उजाले की तरह जगमगाता रहे, आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। आज हम लोग थोड़ा धनतेरस की ख़रीदारी करने निकले हैं। 2 साल बाद चूँकि कोरोना पीरियड में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, लोगों ने दिवाली भी नहीं मनाई खुलकर, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग थोड़ा निकले हैं। लोग जो ख़रीदार हैं उनसे भी पूछना चाह रहे हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें 2 साल बाद इस तरह से सामान चीज़ें खरीद कर, और जो हमारे दुकानदार हैं उनका समय कैसा गुजरा, उसके बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दें। धनतेरस की जब ख़रीदारी हम करते हैं तो उसमें हमें इस तरह की मूर्तियाँ वगैरह काफ़ी हद तक, पहले तो ये जो मूर्तियाँ हैं वो लुप्त प्राय हो गई थी। हमारे जैसे जैसे पाश्चात्य संस्कृति हमारे अंदर हावी होने लगी, ये मूर्तियाँ हमें पहले देखने नहीं मिलती थी। ये सारी की सारी वो सामने की सुंदर सुंदर छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, हाँ ये सारी, और ये हमारे बचपन की याद आ गई। हम लोग बचपन में इसमें खिलौने से खूब खेला हम लोगों ने। और इसमें क्या होता है कि पूजा के दिन इसमें लाई लावा और एक मिठाई भरी जाती है, और ईश्वर का आवाहन किया जाता है कि आएँ और आपके लिए भोग लगाया है। और इससे ही हम एक नन्ही सी रसोई मान लेते हैं कि इसी ये ईश्वर का ही घर है। दियों की एक अच्छी बात बताते हैं, यहाँ जितने भी दिए बने हैं, अब की बार जो मोदी जी ने अपने एक जो अयोध्या में पूजा अर्चना की का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें 17 लाख दिए जलाए जाएंगे अयोध्या में, और उसमें 6,000 कुम्हारों से मदद ली गई है। अब आप सोचिए कि एक समय ऐसा था कि कुम्हार जो थे वो उनको हाशिए पे एकदम छोड़ दिया गया था, हाँ चाइनीज़ माल के कारण, हाँ तो हमें इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये दिखता है कि चाइनीज़ इम्पैक्ट कम दिखता है, भारतीय चीज़ों का, मिट्टियों के से बने सामानों का ज़्यादा इन्वॉल्वेशन दिखता है इसमें। अच्छा ये मुझे याद आया, ये ना एक वो माना जाता था कि दूर से ही हम ईश्वर को जब आहन कर रहे हैं तो वो दिया, मतलब कहा जाता है ऐसा कि ईश्वर को रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते से आप हमारे घर आए हैं। हाँ ये तो कोरोना में बंद हो गया था ना, हाँ 2 साल बाद खुल रहा है, हाँ तो कैसा लग रहा है अभी, हाँ पहले से कुछ चेंज लग रहा है? हाँ लग रहे हैं। हाँ तो अभी कस्टमर आए? हाँ अभी आ रहे हैं, धीरे 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 आ रहे हैं। अच्छा तो 2 साल तो बिल्कुल बंद हो गया होगा। हाँ कुछ भी नहीं, चारों तरफ एकदम वो, तो अभी इसकी तो डिमांड ज़्यादा हो गई होगी पहले से। हाँ हाँ और ये मूर्तियाँ वगैरह जो हैं पहले तो नहीं बनती थी? बनती थी लेकिन इतनी नहीं, लेकिन अब बन, अब ज़्यादा बन रही हैं, है ना, मतलब इनकी डिमांड बढ़ रही है। हाँ बढ़। चलिए ठीक। जब हम जैसे हमने दिखाया मिट्टी के बर्तनों में ये लाई और लावा नहीं है, ये यहाँ कई जगह लावा या खील बोला जाता है। जनरली हमने विवाह वगैरह में भी देखा होगा, सप्तपदी जब की जाती है, फेरे दिए जाते हैं,
तो इस लावा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब साधारणतः लोग लाई का ही उपयोग करने लगे हैं। ये दिखाता है कि हमारा जो नई फसल है उसके आगमन में यह हम भरते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से इन बर्तनों को हमने मिट्टी के बर्तनों को भरा है वैसे ही, और ये मीठा जहाँ तक है या आप शक्कर पारे वगैरह देख रहे होंगे, चूँकि नए गन्ने का आगमन होता है, नया गन्ना होता है और नई चीनी या मिठास चूँकि बढ़ती है नई फसल की, वही हम ईश्वर को के सामने समर्पित करते हैं। चना की भी यही है, नई फसल का आगमन होता है, नई फसल के आगमन की खुशी में ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। भैया आपका भी 2 साल से बंद था कोरोना में, कंपल से भी बंद ही रहेगा सारा तो मेरा तो अभी क्या लग रहा है 2 साल बाद? सही है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है फिलहाल, अभी उतना भी अच्छा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो 2 साल तक ये तो एकदम बंद रहा, एकदम लॉक था, एकदम लॉक था। अच्छा, तो अभी कस्टमर आ रहे हैं? नहीं फिलहाल आ रहे धीरे धीरे, मतलब उतना कोई खास मार्केट अभी ना है, हाँ। होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है, हो सकता है कल शायद और आ जाए, कल तो लॉस एकदम खत्म। वही है जैसे से कोविड का समय जैसे जैसे आता है, और जनरली हमें लगता है कि जैसे अब सिविल लाइन्स थोड़ा सा बड़े उसमें आता है, हाँ, और इससे कट रहा है, लोग उसमें चले जाते हैं या चौक जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ जगह नहीं रहेगी, हाँ दिक्कत है कटवल वहाँ जाने में। अच्छा ठीक, इसमें सिटी वहाँ है, फोन दे दिया है, लोग यहाँ आने ढूंढने में दिक्कत होती है, आधे उधर आधे इधर हो जाते हैं, कोई चौक गया, कोई कटरा गया, कोई इधर उधर, सुविधा अनुसार जिनको जहाँ जैसे जी, जहाँ जगह भी नहीं रहेगी ना मार्केट के अंदर, अब जहाँ जगह वहीं दिया जाएगा। थैंक यू भैया। रंग बिरंगी दीपों से सजी दिवाली के उपलक्ष में जब भी घर को हम साफ सुथरा स्वच्छ करते हैं तो हम सबसे पहले अपने घर के बाहर के आंगन को सजाते हैं सुंदरता से, रंग बिरंगी रंगोली से। तो हमारे सामने कई रंग की रंगोलियां रखी हुई हैं, अब तो हमें काफ़ी सुविधाएं मिल गई हैं, फ्रेम्स वगैरह तैयार मिल जाते हैं, लेकिन हाथ से रंगोली आपका तमाम जगह डिज़ाइन देखते हैं, नीचे हाथ से रंगोली बनाते हैं, लेकिन चूँकि अभी समय का अभाव हो गया है लोगों के पास, मतलब मशीनी लाइफ जिसको कह सकते हैं वैसे जी रहे हैं, तो फ्रेम हमें मिल जाता है बहुत आसानी से। आप कोई भी एक डिज़ाइन उठा लीजिए और ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे एक नमूना बना हुआ है ना, आप यहाँ पे रंग रखिए उसको बस और उसको रैप कर दीजिए, और उससे भी एक खूबसूरत नई चीज़ मुझे देखने को मिली है, ये इसमें रंग भरी है और रैप करना है, यही करना है ना, ये है, और ये एक अच्छी चीज़ है, आप इसमें पीछे रंग भरिए, अपना आपका रंगोली फैलेगा भी नहीं, आराम से पेन की तरह ड्रॉ कर दीजिए, ये अच्छी चीज़ है। रंगोली बनाने का उद्देश्य ये है कि हम अपने ईश्वर को आह्वान करते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा है और हम अपने हर्ष को उसी रंगोली के माध्यम से दिखा पाते हैं, रंग वैसे भी हर्ष उल्लास का माध्यम है, तो ये ईश्वर के आह्वान, ये भी ईश्वर के आह्वान के लिए है। जनरली हवन वगैरह में जो वेदी के चारों तरफ रंगोली बनाई जाती है वो हल्दी कुमकुम और रोली का बनता है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक होता है। धन्यवाद। कोरोना के जो कोरोना काल चला उसके बाद यह रंग बिरंगा त्यौहार हमारे सामने आया है, और हम कोशिश कर रहे हैं जानने की या उनकी खुशी और तकलीफ दोनों ही आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल बाद इनकी लाइफ में कितना चेंज आया इन छोटे छोटे त्यौहार की मदद से। तो हम इनसे बात करके थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि इन 2 साल के बाद इनकी ये दुकानें खुल रही हैं तो इनकी खुद की लाइफ में थोड़ा मोड़ा कुछ आगे डेवलपमेंट हो पा रहा है या नहीं। ये भारतीय सामान है सारा? हाँ, तो पहले तो चाइनीज़ माल काफ़ी हुआ करते थे ना, चाइनीज़ माल आते थे, लेकिन अब जो है चाइनीज़ बंद हो गए हैं ना, करीब करीब थोड़े बहुत अभी आते हैं, बिना चाइनीज़ का कैंडल चल नहीं सकता है। चाइनीज़ आइटम जैसे हो गया आपका ये दिया हो गया और जल दिया हो गया, ये सब चीज़ें चाइनीज़ ही से आते हैं, अभी भी आते हैं, इंडियन बना नहीं सकती है।
नहीं बना नहीं सकती ये नहीं है जी, इसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाती है जी, और ये सारे एंटी पॉल्यूटेड होते हैं जी जी। ये पॉल्यूशन नहीं फैलाते, ये इंडियन ये सब है। हाँ ये सब इंडियन है। और जो है अब की मतलब 2 साल से तो जो है कोरोना की वजह से जो है फेस्टिवल नहीं मनाया जा रहा था, अभी काफ़ी हद तक जो है अभी कुछ 2 साल बाद आपका ये शुरू, मतलब हम इसको फिर से शुरुआत ही बोलेंगे जी, ना मैं, जी, तो कुछ अंतर पड़ रहा है, काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है मैम, 4 हिस्से में 3 हिस्सा प्रभाव पड़ रहा है। हाँ ये तो जी मैम, क्योंकि हमें लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली रोज ही कमाती है, रोज खाती है जी मैम। हम लोग भी उसी पेशे में, हम भी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, वही वाली बात है। तो अभी हम लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका भी अच्छा और चले, है ना। धन्यवाद मैम। और अभी तो अभी कितने दिन हुए दुकान लगे हुए? अभी ये 3रा दिन है मैम। तो कुछ हुई? हाँ हाँ हो गई है, चलिए हो गई है, काफ़ी हद तक हो गई है, भगवान की कृपा से हो गई है। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैडम, हमारे भाई जो छोटे बोले हैं वो उनकी बात सही है, जो भी ऐसा कुछ बोले हैं। और ये सारे कैंडल्स जो हैं मोम वाले ही है ना? जी मैम, ये सब फ्लोटिंग कैंडल है, ये दिया है, ये दिया है, दिया जो है ये क्या मिट्टी है? पीओपी का दिया है, पीओपी पे ये पेंट हुआ है, पीओपी में अपना मोम भरा हुआ है, ये चमक वमक सब लगा के बनाया गया है, फिनिशिंग अच्छी है। चलिए चलिए, हम भी आपसे आपकी शुभकामना देते हैं कि अगली दिवाली और अच्छी हो आपकी। आपको शुक्रिया। छोटा सा परिवार मिला है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि दीपावली में आप खरीदारी के लिए निकले हैं। आपने आज खरीदारी शुरू की है? जी जी, हाँ तो अभी तो कोरोना पीरियड के बाद से पहली बार हो रहा है ना जी। हाँ तो 2 साल कैसा गया कोरोना में दीपावली? हॉस्पिटल में गया, स्टाफ नर्स हूँ, नर्सिंग ऑफिसर। अरे बाबा, आप तो बहुत बड़ी, आपने बहुत बड़ी सेवा दी है। हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ, नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे। देखिए ये भाई, हमें तो इनको सैल्यूट, हमें इनको सैल्यूट करना चाहिए। इन्होंने 2 साल कह लीजिए कि जैसे सेना अपना लाइफ दे देते हैं, वो इन्होंने अपनी लाइफ दी होगी इस समय। बहुत कठिन आपने काम, बहुत ज़्यादा, काफ़ी रोज देखना 10-15 लोग। हम लोग का साष्टांग प्रणाम है। हाँ तो अभी खरीदारी कर रहे हैं आप? हाँ, टाइम मिला है तो फिर निकले खरीदारी करने। तो कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटिंग है सब कुछ, बहुत अच्छा लग रहा है। दीपावली में जिस तरह हम अपने दरवाजे में नीचे रंगोली को सजाते हैं, उसी तरह हम अपने दरवाजों को भी सजाते हैं, जिसे तोरण, बंधनवार या द्वार श्रृंगार भी बोला जाता है। तो इसकी विविधताएं देखिए, कितने सुंदर सुंदर बंधनवार हैं। हम भारतीय संस्कृति के प्रति हमें इतना अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए कि इनसे ही देखिए कि हम कितने अपनी खुशियों को जाहिर करने का कितना सरल और अच्छा माध्यम है। हमारी संस्कृति में हम बोलकर किसी को अपनी खुशियाँ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इन रंग बिरंगे बंधनवार से ज़रूर अपनी खुशियाँ दिखा सकते हैं। हम ईश्वर को अपने घर में का आह्वान कर रहे हैं, तो हम कितने प्रसन्न हैं। हम थोड़ा सा इनसे बात भी करना चाहेंगे। ये इसमें से होममेड भी है बंधनवार? अच्छा, सारी चीज़ हैंडमेड है। देखिए सारी, सारे बंधनवार होममेड है। हाँ एक मिनट, सारे ही हैंडमेड हैं। कुछ बताइए इनके बारे में आप। एट फर्स्ट सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। हाँ एट फर्स्ट सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और ये मेरा सारा जो है ये हैंडमेड चीज़ें हैं, और मैं हर साल में 13 ईयर्स से मैं ये काम कर रही हूँ। और बस आप चीज़ें लोगों को पसंद आती है और मैं वो करती हूँ, बस आप लोग की सेवा में लगी हुई हूँ। अच्छा, तो पिछले 13 साल से इस कार्य में आप कर रहे थे, तो यहीं पे लगाती हैं? नहीं नहीं, मेरा परमानेंट शॉप ही है। कहाँ पे? रानी मंडी में। अच्छा, तो क्या कहते हैं, अभी 2 साल से तो बंद था। हाँ कोरोना का, कोरोना के कारण बंद था। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें थोड़ा तो असर आया था, बहुत ज्यादा। हाँ क्योंकि उस समय तो कुछ होना ही नहीं, कुछ भी नहीं होना था। हाँ तो उसके बाद कुछ आशा कर रहे हैं आप? हाँ होप तो है, लेकिन आशा सब दुनिया का है। नहीं सही बात है, एकदम सही बात है। तो जैसे कि एक टाइम आया था कि चाइनीज माल बहुत ज़्यादा हावी हो गया था। हाँ तो उसका अब तो अंतर पड़ रहा है बहुत, अब बहुत, तो मार्केट हाँ, बिल्कुल रोक दिया गया है। अपना टोटल स्वदेशी चीज़ें आ गई हैं, और हम लोग को अच्छा भी लग रहा है कि हम लोग खुद टोटली अपने यहाँ के इंडिया की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो मोदी जी का जो वो है लेकर के वो चल रहे हैं। हम लोग मिशन जो है उनका स्वदेशी चीज़ों को प्रेफरेंस दे रहे हैं।
बहुत सुंदर, सुनिए ना जैसे इसको एक दो चीज़ें हाईलाइट कीजिए, बड़ा अच्छा है ये वाला, मैं एक बार उठा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। ये देखिए कितना अच्छा है ये वाला, गुड्डा गुड़िया है। ये देखिए, मतलब ये हाथ से बना हुआ है, इसमें बारीकी कितनी सुंदर से, एकदम बाबा जी को पगड़ी भी कितनी खूबसूरती से पहनाई गई है। हाँ, और ये हमारी जो दीदी रानी है कितनी प्यारी लग रही हैं, ये लगता नाराज़ हो गई हैं। दो साल बाद जी। हाँ तो कुछ अब की तो मार्केट इतनी वो नहीं है, हम लोगों की दुकान वाल्मीकि चौराहा BSNL ऑफिस पे लगती थी, अभी चेंज हुई है थोड़ा सा इसके वजह से है, लेकिन फिर भी ठीक ही है, मार्केट रौनक है, दो साल लोगों के बाद उत्साह भी है उसी तरह, लोगों का फेस्टिवल मनाने का भी वो है, लोगों का क्रेजी है। आप खुद कैसा अनुभव करती हैं? हमें तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है, दो साल बाद लोगों को खुशी मनाने का मौका मिल रहा है। जानना चाहेंगे तो पहले चाइनीज़ मूर्तियाँ भी काफ़ी हावी हो गई थी इन पर जी, जी अभी मिट्टी की मूर्तियाँ आ रही हैं तो अभी सारी ये मिट्टी की मूर्तियाँ हमारे यहाँ सारी मिट्टी की मूर्तियाँ कोलकाता से आई हुई हैं जी, ये हम लोग खुद से जाते हैं परचेस करके लेके आते हैं वहाँ से जी। तो इसमें आप क्या सोचती हैं, अगर मिट्टी की मूर्ति है चाइनीज़ में तो कम दाम में आपका और अच्छे मुनाफा मिलता है? बात कम या ज़्यादा दाम की नहीं है, बात यहाँ है कि मिट्टी की पूजा होती है तो हम लोग मिट्टी का ही सामान बेचते हैं, लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं है हमारा। क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं चाइनीज़ है, फटाफट हम निकाल लेते हैं अपना, नहीं लेकिन हमारा मानना ये नहीं प्रॉफिट लॉस नहीं, लेकिन जो हमारी श्रद्धा है हमारे यहाँ की जो रीति है वो उस रीति के हिसाब से है। थैंक यू।